सो हिमेश भाई के साथ सब मैं आपको इनको और आप देख रहे हैं इनको व्लॉग्स। आज हमारी लास्ट दिन हमारा गोवा में वापस भादुरगढ़ चले जाएंगे। पूरी ट्रिप पर भाई आइलैंड कहीं नहीं मिला 24 आवर्स चैलेंज करने के लिए। गाइस एक आइलैंड है जहाँ पे आज जा रहे हैं, उसमें भाई जाना अलाउड नहीं है। आइलैंड के पास तक जाएंगे। ये देख लो गाइस बस भी आ गई हमारी आइलैंड के लिए। ओ भाई कहाँ से आ रहा भाई, भाई वहां से भी रास्ता है यश। ओ भाई तभी भाई आइलैंड के लिए बोट से जाएंगे। और ये देख लो गाइस आगे ना बिल्लियां बहुत अच्छी है, खुद ही पास आ जाती है गाइस। कितनी प्यारी बिल्ली, यहाँ की बिल्ली कुछ करती ना, जर के भी नहीं भाग रही। गाइस आ जाना भाई आइलैंड देख आएंगे भाई। बोट चल पड़ी है, बहुत अंदर तक चले जाएंगे ओशियन में। ये देख लो गाइस आइलैंड के यहाँ पे पहुंच गए हैं। और ये है गाइस ये आइलैंड। गाइस आइलैंड में जाने का मन था, चैलेंज करना था, पर अलाउड ही नहीं कर रहे हम। आंसर यही है, पूरा कंफर्टेबल होने के बाद ही नीचे जा सकते हो। नाक देख रहे हो ना, पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो ये देख लो गाइस काफी सारे लोगों ने ना मना कर दी अभी से ही कि नहीं कर रहे, तो कर लेगा ध्यान से वापस भेज देंगे ऊपर। ये देख लो गाइस अपना भाई यश स्कूबा करेगा, अभी पानी के नीचे तक जाएगा। गाइस चाचा भी जा रहे हैं। ये देख लो गाइस यश भी करके आगे, चाचा भी करके आगे। चाचा ने किया ही नहीं, किया ही नहीं, क्या हो गया? कहाँ तक गया? नीचे तक गया था, बिल्कुल पूरा नीचे गया। अब चीनू की बारी है। कान में दर्द हो रहा है भाई। गाइस मेरा ना भाई बचपन से ड्रीम था कि स्कूबा डाइविंग करनी है और समुद्र के नीचे तक जाना है और सी लाइफ देखनी है। गाइस मेरे को गाइस ये चीज करने से पहले ना भाई कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है और बहुत सारी चीजें चेक करता है ट्रेनर। तो गाइस मैं पास हो गया था, फाइनली मेरा टाइम आया था नीचे जाने का, समुद्र के नीचे। गाइज मैंने ना पहले अच्छे से मन को शांत किया, उसके बाद मैं रेडी हुआ पानी के नीचे जाने के लिए। उसके बाद गाइज फाइनली हम गए और ज्यादा डीप। गाइज इसको करके ना भाई मिक्स फीलिंग्स आ रही थी, हर तरीके की फीलिंग्स आ रही थी। इमोशनल हो रहा था, कभी कभी मैं खुश हो रहा था और कभी कभी हल्की हल्की घबराहट वाली फीलिंग भी आ रही थी क्योंकि पानी के बहुत ज्यादा मैं नीचे था। गाइज जो बंदा मेडिटेशन ज्यादा करता है ना वो इसको बहुत अच्छे से कर सकता है। गाइज मैं हमेशा से बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता हूँ, इसलिए गाइज मैंने पहली बार में बहुत अच्छे तरीके से कर ली। मेरा ना गाइज 5 मिनट का सेशन था पानी के नीचे, पर जो ट्रेनर था ना गाइस वो भी मेरे से इंप्रेस हो गया। 15 मिनट तक हम नीचे पूरा सी एक्सप्लोर करते रहे, सांप देखे, फिशेस देखी बहुत सारी टाइप की, मतलब अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था गाइस। लाइवली फीलिंग आ रही थी और गाइस मैंने भाई लकी फील कर रहा हूं कि मैं ये सब कर पाया। समुद्र के अंदर तक गए, पौधा उखाड़ के लाया मैं। इतना टाइम तो कोई भी नहीं कर पाता अगर फर्स्ट टाइम आते हैं तो। भाई ने फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा किया, एक ट्रेनिंग में ही सब कुछ बढ़िया करके दिखाया है, बहुत बड़ी बात है। पहली बार में इतना सब कुछ इतना अच्छा कोई भी नहीं कर पाता है क्योंकि ये स्कूबा डाइविंग है। लोग घबरा जाते हैं ज्यादातर, तो घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। ये देख समुद्र से क्या लेके आया गाइस, मजा आ गया भाई स्कूबा डाइविंग करके। ऐसा एक्सपीरियंस ना गाइस पहले कभी नहीं किया, पीसफुल फीलिंग आ रही थी, मजा आ गया भाई। ये देख लो गाइस ये हमारे भाई है मनीष गुप्ता मुंबई से, बहुत तगड़े ट्रेनर है भाई। इन्होंने मस्त वाली ट्रेनिंग दी और पहली ट्रेनिंग में बढ़िया कर दी भाई, आप अच्छे थे पहली ट्रेनिंग में इतना बढ़िया करके दिखाया है। थैंक यू भाई। और गोप्रो ही खराब हो गया भाई, इतनी नीचे तक गए पानी में, डिस्प्ले खराब होगी भाई इसकी पूरी। तो गाइस अभी ना भाई आइलैंड की साइड जा रहे हैं, यहाँ पे ना गाइस अलाउड भी नहीं है जाना। गाइस गोप्रो ना भाई खराब हो गया, इसकी डिस्प्ले खराब होगी। मैं भाई तुक्के से वीडियो बना रहा हूँ, ये पूरा आइलैंड खाली है, यहाँ पे सर्वाइव करते गाइस हम, पर अलाउड नहीं है गाइस। इंडिया में किसी और जगह पे जाएंगे जहाँ पे आइलैंड होगा, मेरा 24 आवर्स सर्वाइवल चैलेंज करेंगे आइलैंड पे। ये देख लो गाइस हमारी बोट वगैरह खड़ी है, ये हमें यहाँ तक लेके आई है आइलैंड के पास। आइलैंड पे कोई जाने नहीं दे रहा किसी को, पत्थर भी ऐसे जिससे हाथ कट सकता है। रुकना, डर मत ना, डर क्यों रहा है, आ जा आ जा, ले हाथ पकड़। क्या हो गया गाइस? प्लेन जमीन भी नहीं है, पहाड़ से है और रहने के लिए भी जगह बनानी पड़ेगी गाइस, घर वगैरह बनाना पड़ेगा, फिर खाना खाने की चीजें बनानी पड़ेगी, फिर खाना ढूंढ के लाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेगी। ओ केकड़ा खुद तो डूबेगा, किसको भी डुबाए। ये देख लो गाइस मन कर रहा है भाई आइलैंड को देखता रहूं, मेरा भाई बचपन से सपना है आइलैंड पे एक दिन रहने का, वो चीज पूरी हो जाती है अगर आइलैंड पे रहने को मिल जाता तो। अब गाइस जा रहे हैं पैरा सेलिंग करते। ओ भाई और रस्सी टूट गई, ओ भाई पानी में, ओ भाई रस्सी टूट गई, रस्सी टूट गई। ओ
गाइस अभी ना भाई फ्लाइट का टाइम हो रहा है और सारा सामान निकाल रहे हैं और जा रहे हैं भाई सीधा एयरपोर्ट पे। जल्दी दो बैग तो नहीं भीगा कोई। गाइस अपना भाई बीच के रास्ते आए हैं दूसरी साइड से एयरपोर्ट के पास। सामने एयरपोर्ट है, पता नहीं चला कब इतना टाइम हो गया। फ्लाइट का टाइम हो रहा है, पहले खाना खाएंगे फिर उसके बाद सीधा फ्लाइट पकड़ेंगे। पता नहीं चलता ना गाइस फ्लाइट ही मिस हो जाती है आज। तो गाइस खाने में दाल चावल खा रहे हैं और सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं सब। गोवा को गाइस बाय बोलना पड़ेगा। एक हफ्ता गोवा में रुके और जाने का मन भी नहीं कर रहा। ऐसा मन कर रहा है एक महीना और रुक जाओ। बहुत मजा आया था यार गोवा में, है ना। अब गोवा को बाय बाय, मन नहीं कर रहा मेरा। जाने का मन नहीं कर रहा ना, ऐसा लग रहा है मैं यहीं पे रह जाऊं। गाइस किसी का भी मन नहीं कर रहा है ऐसा जाने का, पर फिर भी जाना पड़ेगा। बहुत सारी मस्त मस्त चीजें करी, स्कूबा डाइविंग, बंजी जंप, स्कूबा डाइविंग भी कर ली, मजा आ गया। आईलैंड वाला चैलेंज नहीं हुआ, वो भी कहीं और करना पड़ेगा, कहीं और करेंगे। ये देख लो गाइस ये हमारी गैंग वाले भाई मिल रहे हैं अहमदाबाद से। तो गाइस फाइनली भाई दिल्ली पहुंच गए हैं। मामू जी नमस्ते। ये देख लो गाइस मामू जी लेने आए हमें, पापा भी आए लेने, बाकी गाइस चाचा भी घर पे जा रहे हैं। पूरे एक हफ्ते से बाहर थे हमें ना। चीकी तो वेट करते करते सो गई गाइस चाचा का। ये देख लो भाई खाना भी ना खाए, बोले पापा के साथ खाऊंगी। चल ठीक है भाई, अभी मैं यश को छोड़ने जा रहा हूं और फिर मैं जाऊंगा घर पे। ठीक है भाई, बाय बाय। ये देख लो गाइस रिया भी मामा के आई हुई है, मजे आए। बंजी जंप कितनी मस्त लग रही थी। चल ठीक है भाई यश, थैंक यू भैया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था आप लेके जाओगे। अभी भी यकीन नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा अभी हम गोवा से। कह रहा यकीन नहीं हो रहा मैं गोवा से आया हूँ। ये क्या बात करता है यार। चल भाई हाथ तो छोड़ दे, हाथ तो छोड़ दे भाई। मेरा भाई तू बाय बाय बाय। जब से हम गोवा गए हैं ना रिया ना भाई घर भी नहीं गई, मामा के घर पे ही रुकी हुई थी, आज हमारे साथ में ही घर पे जा रही है। ये देख लो गाइस अजय भाई डिग्गी में ही सो गया, सीट भी सीधी नहीं करी इसने डिग्गी की, यहाँ पे बैठ सकता था। जो 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 एक हफ्ते बाद मिल रहे भाई जोजो से। जो 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 जोजो ने बहुत मिस किया हमें। मिल तो ले से अच्छी तरह। ओ भाई ये देख लो गाइस फाइनली बहुत दिनों के बाद अपने गेमिंग रूम में आया हूँ मैं। अब बहुत दिनों के बाद घर का खाना खाएंगे, मम्मी खाना ले आई है, आपकी फेवरेट सब्जी मिल रही है चाप की सब्जी। गाइस मम्मी को भाई स्कूबा डाइविंग की वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, समुद्र के नीचे तक चला गया था मैं। मम्मी रो क्यों रहे हो यार। ये देख लो गाइस मम्मी ना भाई रोने लग गई, सारी चीजें सेफ है। ये ना गाइस एक हफ्ते से रूम में ही नहीं आया मेरे, आज गाइस मैं आया ना तो तभी रूम में आई है और पहले नहीं आया बिल्कुल। बाकी गाइस काफी सारे हमारी गैंग वाले भाई बोल रहे थे कि निकू भाई गोवा में हॉन्टेड चर्च में जाओ, तो गाइस कल ना भाई गोवा में हॉन्टेड चर्च में भी गए थे। तो गाइस उसकी भाई वीडियो बनाई है, अभी तुम भाई वो वाली वीडियो देखो। ये देख लो गाइस ये ना भाई रास्ता आ गया, यहीं से जाना पड़ेगा चर्च में पैदल पैदल, ऐसे सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ेगा ऊपर तक। चर्च का नाम है थ्री किंग्स चर्च और कहते गाइस ये ना भाई गोवा का हॉन्टेड चर्च है। अंधेरा होने के बाद रुकेंगे यहां पे। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे पिकनिक मनाने। गाइस अभी भाई एक दो लोगों से पूछा है, गाइस वो भी कह रहे हैं भाई हॉन्टेड है। तो गाइस अभी फिलहाल ना भाई अंधेरा हो गया है, ये देख लो गाइस चीनू अभी से डरने लग गया। मैं भी हूँ यहाँ पे। आसपास ना गाइस कोई बस्ती भी नहीं है, अगर भागने लग गए ना गाइस तो रास्ता भी नहीं मिलेगा। सारी है साथ में के बाजे कूद देंगे ना सीधे खाई में जाएंगे। अरे नहीं मेरे साथ साथ रहे। ये देख लो गाइस कितना डरपोक है, डर रहा है बहुत। ढंग से गाइस अब इस चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसी फीलिंग आ रही है बिना टॉर्च जलाए कहीं भी देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कोई ना कोई खड़ा है। कुछ था भी गाइस चर्च के अंदर इतना डर नहीं लग रहा जितना बाहर डर लग रहा है। बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा और बाहर पता नहीं कुछ कुछ बना रखा है। बाहर चलते हैं थोड़ी देर, आजा चलो आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आसमान में बहुत सारे तारे भी दिख रहे हैं, इस खिड़की में देखते हैं क्या है। अचानक से तेज तेज हवा चलने लग गई, क्या हो रहा बादलों में। ये देख लो भाई ये ना बोर्ड था बाहर मिटा रखा सब कुछ, ये ना भाई फ्रंट गेट है, माला वाला लगा रखे सील कर रखा भाई, ये साल में एक ही बार खुलता है गाइस ये। दिख तो कुछ भी नहीं रहा, डर ज्यादा लग रहा है। पैर पैदल पैदल के जोकर तो चल रहा जूते घिसरा के। ओ भाई भाई इस बार भाई सच में ओए भागना नहीं, भागना नहीं तो तुम तो मम्मी के साथ भाई, मम्मी के साथ आराम से। एक मिनट गिर रहा है, किसी ने आवाज निकाली है तो मैं मम्मी के साथ। कोई हम हमने किसी ने नहीं है, तूने निकाली है ना। मैंने नहीं निकाली भाई, आवाज तक किसी ने निकाली। कब्रिस्तान वाला एरिया है भाई, यहाँ से जाना पड़ेगा। सामने कुछ व्हाइट व्हाइट खड़ा है, रुक रुक रुक। ओ भाई
गाइस मैं इसको देख के डर गया भाई। वो टैक्सी वाला कहाँ है? टैक्सी वाले भैया यहीं पे खड़े हैं भाई। वहाँ पे कुछ है गाइस, मेरा ना भाई और मन था एक्सप्लोर करने का, कुछ हो जाता तो भाग के आते और सीढ़ियों से मुंह फूट सकता था, सब गिर जाते सीढ़ियों से। लिटरली भाई हमें कोई आवाज आई थी, डर इतना लग रहा था ना, हम सारे भाग के आगे। चर्च से लेके जो टैक्सी खड़ी थी ना हमारी, उसके बीच का भाई रास्ता बहुत ज्यादा था, सीढ़ियां थी, कोई भी गिर सकता था, कहीं भी अलग एक्सपीरियंस था। कंफर्म नहीं है कि भाई वो भूत की आवाज थी और चीज की भी आवाज हो सकती है, ये है गाइस की आवाज आई थी। और गाइस हमने भाई सब डर के भाग के आगे, टैक्सी वाला भी हमारे साथ में, मैं ऊपर तक नहीं गया चर्च में, तो गाइस वो भी भाई अलग एक्सपीरियंस था। बाकी गाइस अभी फिलहाल 1:30 बज रहे हैं और अभी मैं करूंगा एडिटिंग और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो तुम्हारे चैनल है निकू का। So thank you so much. Bye and take care.